students, now we will discuss about one more important process of photosynthesis, that is chemiosmotic theory or chemiosmotic hypothesis. So let's start our topic. This is very important process. और आपको समझाने के लिए एक बहुत बहुत easy way में हम ये process करने वाले हैं और definitely आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. बस पूरा video ध्यान से देखिएगा. This process is very important because जो हमने non-cyclic और cyclic photophosphorylation किया था, वहाँ पे हमने देखा that in both of these two processes, the energy is formed in the form of ATP and reducing power NADPH2. तो इस वीडियो में, इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे that how this energy is formed, कैसे वो energy जो light reaction में बन रही है, उसका एक्चुअल में प्रोसेस क्या है. वहां पे तो हमने बहुत इजी वे में लिख दिया, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स डाउनहिल थ्रू डाउन द ग्रेडियंट, व्हेन इट कम्स डाउनहिल इट रिलीजेस एनर्जी एंड दिस रिलीज एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉस्फोराइलेशन. वो हमने लिखा था आपको अगर याद हो तो. बट एक्चुअल में प्रोसेस जो है वो इतना ईजी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है एटीपी फॉर्मेशन का. तो वो हम सब यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे होता है. सो लेट्स स्टार्ट. उस चीज को समझने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे थायलेकोइड ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायलेकोइड बिकॉज द लाइट रिएक्शन इट हैपेंस इनटू द ग्रेनर थायलेकोइड रीजन. थायलेकोइड में हो रहा है एंड ऑल द फोटोसिस्टम्स एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इनटू द थायलेकोइड मेम्ब्रेन. तो उसी के लिए हमने यहाँ पे थायलेकोइड पहले से ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द थायलेकोइड स्ट्रक्चर. एज वी कैन सी दैट दिस वन इज द आउटर थायलेकोइड मेम्ब्रेन. ये बाहर की लेयर है थायलेकोइड मेम्ब्रेन की बिकॉज इट्स अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. एंड दिस वन इज द इनर थायलेकोइड मेम्ब्रेन. ये है इनर थायलेकोइड मेम्ब्रेन. एंड द इंटरनल पार्ट, दिस कंप्लीट इंटरनल पार्ट दैट कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन इज नोन एज ल्यूमेन. सो वी कैन ड्रॉ दिस वन ऑल्सो. दिस इज ल्यूमेन. दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थायलेकोइड. सो दिस इज द ल्यूमेन ऑफ थायलेकोइड. नाउ लेट्स सी that these are the two important complexes. ये दो, this is the one important complex which is present in the inner side of thylakoid membrane. Outer membrane हो गया है, inner membrane हो गया है. दोनों membranes हैं जिन्होंने thylakoid को cover किया हुआ है. And the internal part is known as lumen. And thylakoid we know that they are remain present in the stroma region. Stroma पे present है बहुत सारा जितना भी part होगा that will be considered as a stroma. तो ये बाहर सब तरफ हम यहाँ पे दिखा सकते हैं that it's in stroma region. ये stroma है जहां पे थायलेकोइड प्रेजेंट है. अब टू इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, जो प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, उनमें से एक है कॉम्प्लेक्स फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. हमने वहां देखा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोल रहे हैं. सो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थायलेकोइड. सो इट्स प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थायलेकोइड. वेयर आर द अनदर इंपॉर्टेंट एंजाइम व्हिच इज नोन एज NADP reductase is present at the outer membrane of thylakoid. तो ये दोनों हमने important enzymes and complexes की location देख ली है. This one is present at the inner membrane and this one is present at the outer membrane. And these are the photosystem. ये हमारे photosystems. This is the photosystem 2 and this one is the photosystem 1. अगर आपको याद हो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था फोटोसिस्टम 2 व्हेन इट्स रियली रिसीव द एनर्जी लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. सनलाइट से लाइट एनर्जी रिसीव कर रहा है. देन इट रिलीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. देन इट गोज टू द प्लास्टोक्विनोन. देन इट गोज टू द साइटोक्रोम. देन इट गोज टू द प्लास्टोसाइनिन एंड फाइनली इट रिसीव बाय द फोटोसिस्टम 1 एंड देन दे गो टू द एनएडीपी. उसके बाद वो एनएडीपी पे आते हैं. ये बहुत एक सिंपल वे में हमने प्रोसेस पूरा समझा है, जिसे हमने यहाँ पे सिंपल वे में लिखा है. इसी प्रोसेस में अगर आपने ध्यान हो, आपको याद हो, हमें लिखा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम पे आता है और साइटोक्रोम से जब प्लास्टोसाइनिन की तरफ मूव करता है देन इट्स रिलीज एनर्जी एंड दिस रिलीज एनर्जी इज यूटिलाइज टू फॉर्म द एटीपी. वो एटीपी या एडीपी को फॉस्फोराइलेट करके एटीपी में कन्वर्ट करवाने में काम आती है. ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आपने अभी भी वो चीज नहीं देखी है तो प्लीज पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का वीडियो जरूर देखिए. सो ये चीज हो गई. हमें यहाँ पता है कि एट दिस मोमेंट द एटीपी सिंथेसाइज, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है. उसी चीज को हम यहाँ पे हमने मेंशन किया है एक बहुत सिंपल वे में. यहाँ पे हम वही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो कर रहे हैं. दिस इज फोटोसिस्टम 2 एंड दिस फोटोसिस्टम 2 इज रिलीजिंग द लाइट एनर्जी. आफ्टर इट्स रिलीजिंग लाइट एनर्जी इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स. अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिलीज फ्रॉम हियर.
These electrons they pass through the photo chain electron transport system, पूरे electron transport system से होते हुए, then they finally reaches to the photosystem one. They reaches to the photosystem one. And at this moment, when it pass from the cytochrome, जब वो cytochrome C से pass होता है, then it make the ATP. इस point पे ATP बनता है. अब ये चीज कैसे हो रही है वो हमें यहाँ पे देखना है. When electron passes from cytochrome to plastocyanin, at that time it release energy. वो energy release करता है. And this energy is utilized for the synthesis of ATP. वो कैसे होगा? The energy which is released during this time, this energy is utilized to transport the protons that are present in the stroma region. यहाँ पे stroma region के अंदर high concentration में protons present है. And the energy which is released here when electrons move down here from cytochrome to plastocyanin, at that time it release energy. और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या काम कर रहा है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. इट ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन. ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी. सो इन दिस वे वी कैन से दैट साइटोक्रोम इज ऑल्सो वर्किंग एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी काम कर रहा है और प्रोटोन को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कर रहा है. यहां से इलेक्ट्रॉन को उसने आगे ट्रांसपोर्ट किया है और प्रोटोन्स को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है. सो इन दिस वे द प्रोटोन्स आर रिलीज्ड इन टू द ल्यूमेन एंड दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू by using the energy it's release these protons from stroma to lumen. So this is the one thing that happening here. The second thing which is also happening for the related with the protons, that water splitting. We know that water splitting is done in the non-cyclic photophosphorylation, and due to the splitting of the water, jab water ki splitting ho rahi hai, so what the products are formed, what things are formed, that is the proton electrons. Electrons are formed here, then protons are formed, and one more thing, that is the nascent oxygen is also formed. So these three things are formed when the water splitting done. Water की जब भी splitting हो रही है non-cyclic photophosphorylation में हमने देखा था, in the presence of this complex which is water splitting complex and it's present at the inner side. तो इसके presence में water की splitting होगी और ये तीन चीजें बन रही हैं: electrons, protons and oxygen. This oxygen, we know, this oxygen is a byproduct. The product, we a byproduct of process का. So this oxygen released out from the chloroplast. इसे तो chloroplast से बाहर release कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका कोई role नहीं है. These two electrons, these electron pair of electrons which are released through the water splitting, is moved to the photosystem two. Because photosystem releasing the electrons to overcome this loss or to fulfill the loss of these electron pair of electrons. These eight pair of electrons that comes from the water splitting, they move to photosystem 2. तो ये हो गया यहाँ पे. और बच गए अब protons. These protons are also released into the lumen. ये protons भी lumen में release हो जाएंगे. So in this way, by two ways, the concentration of the protons are increased into the lumen. दो तरीके से proton आ रहे हैं lumen के अंदर. एक stroma से lumen के अंदर through cytochrome complex and second through the water splitting. इन दोनों तरीके से जब protons यहाँ पे आते जा रहे हैं, so here the gradient, high gradient of the protons will be formed. Proton की gradient यहाँ पे form होगी high concentration में. And outside the stroma lumen, or we can say in the stroma, this is the less concentration of proton is very less. So again, the proton has to move from its high concentration to low concentration. Protons को move करना है अपने high concentration से लो कंसेंट्रेशन की तरफ. बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोटॉन्स बिकॉज दीज मैम्ब्रेन, जो मैम्ब्रेन है थायलेकोइड्स की, दीज आर इम्परमेबल फॉर दीज प्रोटॉन्स. अब डायरेक्टली डिफ्यूज होके तो नहीं आ सकते क्योंकि मैम्ब्रेन इम्परमेबल है. सो व्हाट हु विल हेल्प देम टू कम आउट फ्रॉम द ल्यूमेन टू स्ट्रोमा? क्या चीज है जो यहाँ पे मदद करेगी स्ट्रोमा, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में आने के लिए इन प्रोटॉन्स को? सो दैट इज द दिस कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ पे हमने कुछ प्रोटीन्स बनाए हैं. These proteins will facilitate the movement of protons from lumen to stroma. From lumen to stroma. This one, the first is known as F0 proteins or F0 particle. It's known as F0 particle. It's work as a facilitated proteins. ये तरीके से facilitate का काम करेगा. Diffuse होके नहीं आ रहे protein. ध्यान रखिएगा. The proteins will, these protons will come here. These protons will bind with these proteins, F0 proteins. Then they move forward and transport these protons to F1. Okay, so they are working as in a facilitated protein for the
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक तरीके से एक फैसिलिटेटेड प्रोटीन की तरह काम कर रहा है एट जीरो पार्टिकल. नो फाइनली दीज प्रोटॉन्स रीच टू द F1 तक आएंगे. और एक और बात ध्यान रखना कि यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही एंड दीज प्रोटॉन्स आर मूविंग outwards by using their energy उनके पास है, they are not utilizing, वो उसको यहाँ पे use नहीं कर रहे, so these are energy rich protons, इसलिए हम वेरिएबल से लाइन बना के दिखा सकते हैं, that is an energy containing, energy है इन protons के पास. Finally, these protons reaches to the F1 particle. This F1 particle has the ATPase activity. इस F1 particles के पास is a protein and this protein has ATPase activity. It's can do the phosphorylation. यहाँ पे ATPase activity है and when these protons comes outside, they release energy and this energy is utilized for the phosphorylation. ये जो energy है ये use होगी phosphorylation में और उसमें क्या होगा? The ADP join with or get phosphorylated with the inorganic phosphate. And finally, the ATP will be synthesized. And these protons, they come out. They will move out into the stroma. So, human se protons kahan aa gaye? Stroma mein. Ek baar fir se dekhte hain kya ho raha hai. Stroma has the high concentration of protons. These protons, they move inside the thylakoid by the cytochrome C. Cytochrome C jo hai protons ko transport karwa raha hai from stroma to lumen by utilizing the energy which is released by this proton electron pair. Yahan pe jo energy release hogi us energy ko use karte hue protons ko lumen mein transport kiya ja raha hai. In the same way water splitting also releases proton into the lumen of thylakoid. So in the lumen of thylakoid here high concentration of proton is formed, but outside the stroma the concentration become very less. So these protons, they have to come out from the lumen to stroma, but it's not done. It cannot be done. Means because these membranes are impermeable. For this, these proteins, they do a facilitated transportation, facilitated diffusion. Karvayenge protons ko move karvayenge lumen se stroma ke andar F1, F0 and these F1 particles or proteins. This F1 has ATPase activity. By utilizing the energy which is released by these protons during the movement or passing through these proteins, this energy is utilized to phosphorylate the ADP and inorganic phosphate. Finally, ATP is synthesized. So this is the ATP which is synthesized during the non-cyclic or cyclic photophosphorylation. इस तरीके से energy जो है वो synthesized हो रही है ATP की form में. Okay, यहाँ हो गया ATP की बात. अब आगे देखते हैं. The protons or these electrons from cytochromes, they reaches to the plastocyanin and then finally they go to the photosystem 1 ke paas jayenge and from the photosystem 1 these electrons they goes to the NADP. Yahan pe NADP hai, hume pata hai the NADP is present here, it's received these electron, this pair of electron to get reduced, but reducing power to reduce reduction karne ke liye yahan pe protons ki required hogi and proton from where the proton will come from this side. Yahan pe jo protons lumen se bahar aa rahe hain, now these protons they also move to the NADP. These protons also move to the NADP. So here by getting these electrons by getting these protons, this NADP get reduced into the NADPH2 in the presence of NADP reductase enzyme. Keep remember the enzyme is also very important. This NADP reductase enzyme, it's reduced the NADP into the NADPH2 by receiving the pair of electrons and the pair of protons from this lumen. So in this way, the NADPH2 and ATP, these are formed during this photophosphorylation. And this two ATP and NADPH2, the reducing power is used into the next process of photosynthesis, which is dark reaction. ये दोनों ही dark reaction में use होंगे और दोनों stroma में present हैं. आप देख सकते हो कहाँ आ गया ATP stroma में बन रहा है, NADPH2 ये भी stroma में बन रहा है. And during the process of photosynthesis, the CO2 also get absorbed and is remain present into the stroma region. Stroma mein CO2 bhi hoga. So by using this energy ATP and NADPH2, the carbon dioxide, it gets reduced into the carbon
कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से द स्टार्च या शुगर के अंदर इसे रिड्यूस कर दिया जाएगा, CO2 का फिक्सेशन होगा शुगर के अंदर ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम बाद में करेंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे एनर्जी फॉर्म हो रही है फोटोसिंथेसिस की फॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में, एंड लेटर ऑन दिस रिड्यूसिंग पावर दिस एटीपी एंड दिस एनर्जीज दे आर यूज्ड फॉर द शुगर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन.